हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी क्विक, जिसमें हम क्वेश्चन ये करेंगे कि आपका पर्सन आज आपके बारे में क्या सोच रहा है। जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है, आप जानना चाहते हो कि उसके जहन में क्या है आपको लेकर, आज उसके लिए आपकी रीडिंग देख सकते हो। क्विक रीडिंग होगी, इसमें हम ज़्यादा कार्ड्स पुल आउट नहीं करेंगे। सो लेट्स सी कि क्या है आपके पर्सन के माइंड में आपको लेकर। लेट्स बिगिन। एट ऑफ सोर्ड्स, मेंटल ब्लॉक्स, कुछ ऐसा है जो कि आपके पर्सन जब आपके बारे में सोच रहे तो उनको अच्छा फील नहीं हो रहा। वाई? सेवन ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विद दैट। लेकिन जो भी सिचुएशन है, मुझे लग रहा है कि इट्स नॉट गोना लास्ट लॉन्ग। सो जो भी है जल्द ख़त्म हो जाएगा एंड इवेंचुअली थिंग्स विल गेट बेटर। राइट नाउ वो कुछ अच्छा नहीं सोच रहे, कुछ पॉजिटिव नहीं सोच रहे। कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि शायद वो करंट सिचुएशन में ऐसे इन्वॉल्व हैं जहाँ पे वो आपको टाइम शायद नहीं दे पा रहे हैं या फिर देना नहीं चाह रहे हैं। नॉट दैट कि वो चाह नहीं रहे, एज इन के देर इज समथिंग एल्स उनकी लाइफ में जो कि उनको कॉट अप किया हुआ है, जिसने अपनी वो पूरा इन्वेस्टेड है उस एक चीज़ के अंदर। सो मुझे लग रहा है कि देर इज़ समथिंग इन इन दैट पर्सन लाइफ। और कार्ड्स देखते हैं, सेवन पॉन्स। मुझे लग रहा है टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो आपके बारे में शायद इतना सोच नहीं रहे हैं क्योंकि देर इज़ समथिंग एल्स जो कि उनकी अटेंशन लिए हुए है, और वो समथिंग एल्स जो भी है बहुत हैवी है इन अ नेगेटिव वे फॉर दैट पर्सन टू डील विद। तो वो उस चीज़ से डील कर रहे हैं, एंड जैसे ही वो सब हो जाएगा तो ये पर्सन आपके पास ही आएगा, और किसके पास जाएगा? अनदर दैट वी डू हैव द हैंगमैन राइट नाउ। आपकी शायद कनेक्शन में थोड़ी कम्युनिकेशन या तो ख़त्म है या फिर ऐसी ही एनर्जीज है कनेक्शन की राइट नाउ, लेकिन इवेंचुअली इट विल गेट बेटर। इवेंचुअली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। टुडे इज़ नॉट गोइंग टू बी द डे जहाँ पे आप अपने पर्सन से कुछ अच्छा एक्सपेक्ट कर सकते हो। मुझे लगता है कि उसको स्पेस देना ज़्यादा सही रहेगा। स्पेस दोगे तो वो आपको मिस भी करेगा। सो दैट्स प्रीटी मच इट। आई होप इट वॉज अ हेल्प। सी यू लेटर ऑन। बाय।